अमरीकी सफी डोनाल्ड ब्लूम ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयों में मावनत के लिए क्वेटा का दौरा किया। उन्होंने वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। अमरीकी सफीर ने बलोचिस्तान बिजनेस वुमेन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। मंसूबे में अमरीका 3.5 लाख डॉलर सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सफीर ने बताया कि सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीका ने 9.70 करोड़ डॉलर से ज्यादा की इमदाद फराहम की है। यूएसएड के तहत 300 तलबा को आला तालीम के लिए वज़ाइफ़ भी फराहम किए जा रहे हैं।